आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे स्टार संयोजन में एक वाट मीटर विधि से पावर मापना। स्टार कनेक्शन में तीन विधि से अपन पावर मापते हैं। तीन विधि कौन सी है पावर मापने की? एक वाट मीटर विधि, दो वाट मीटर विधि और तीन वाट मीटर विधि। एक वाट मीटर विधि से अपन संतुलित लोड माप सकते हैं। तीनों फेजों में अगर लोड संतुलित है उसका पावर अपन एक वाट मीटर विधि से माप सकते हैं। अगर तीनों फेजों में किन्हीं दो फेज में पावर समान है और एक फेज में अनबैलेंस है उसके लिए अपन कौन सी विधि अपनाएंगे? दो वाट मीटर विधि। एक है कि तीनों फेजों के अंदर ही अलग अलग पावर है, अलग अलग लोड है, उसके लिए अपन कौन सी विधि अपनाएंगे? तीन वाट मीटर विधि। स्टार संयोजन में तीन विधियों से पावर मापा जाता है, एक वाट मीटर, दो वाट मीटर और तीन वाट मीटर। तो पहले अपन एक वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का मापन करेंगे, उसके बाद में दो वाट मीटर विधि से संतुलित असंतुलित लोड का मापन करेंगे और तीन नंबर प्रैक्टिकल रहेगा अपना असंतुलित लोड जिसमें तीन वाट मीटर लगाए जाएं। तो आपको ये सर्किट परिपथ तैयार करना है एक वाट मीटर विधि से स्टार संयोजन में पावर मापना, और पावर कौन सी? संतुलित पावर। तो पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में आपको ये कनेक्शन करना सिखाऊंगा और ये पावर मापना सिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले आप समझो सर्किट डायग्राम, उसके बाद में सर्किट बनाना और पावर मापना, कनेक्शन करना जो भी। तो पहले देखते हैं अपन थ्री फेज प्रणाली में, तीन फेज प्रणाली में स्टार संयोजन में पावर फैक्टर मापने की तीन विधियां हैं। कितनी है? तीन विधियां। कौन कौन सी है? एक वाट मीटर, दो वाट मीटर और तीन वाट मीटर विधि। एक वाट मीटर विधि से अपन संतुलित लोड माप सकते हैं, संतुलित लोड माप सकते हैं एक वाट मीटर विधि से। दो वाट मीटर विधि से अपन माप सकते हैं संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। और तीन वाट मीटर विधि से अपने असंतुलित लोड मापते हैं। तीनों विधि समझ में आ गई? थ्री फेज प्रणाली के अंदर जो स्टार संयोजन होता है, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो स्टार संयोजन में पावर फैक्टर मापने की तीन विधियां हैं। एक नंबर है एक वाट मीटर विधि, दो नंबर है दो वाट मीटर विधि और तीन नंबर है तीन वाट मीटर विधि। एक वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है केवल संतुलित लोड मापने के लिए, दो वाट मीटर विधि का उपयोग संतुलित और असंतुलित, तीन वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन किया जाता है। तो आज के इस प्रैक्टिकल में अपन पहले एक नंबर विधि अपनाएंगे और उससे क्या मापेंगे? संतुलित लोड। संतुलित लोड मापने के लिए आपको पहले स्टार में लोड संयोजित करना होगा। स्टार में लोड संयोजित करने के लिए आपको
एक बल्ब, दो बल्ब या तीन बल्ब का तीन सेट ले लेना। ये तीन बल्ब का सेट ले रहे हैं अपन। तीन तीन बल्बों को क्या करना, आपको तीन सेट बना लेने हैं और सीरीज में जोड़ लेना है उनको, ठीक है। सीरीज में जोड़ने के बाद अब मान लो कि ये लोड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको ये ए वन है, ये बी वन है और ये सी वन है। इसका ये बी टू हो गया, ये ए टू हो गया और ये सी टू हो गया। ये टू टू को तो कर देना आपको एक जगह कॉमन, यहां से तो निकल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। बाकी जो तीन बच रहे हैं आपके पास, ये लाइन के हो गए। इन तीनों को लाइन से कनेक्ट करना है। अब इसमें तीन तीन बल्ब हैं, प्रत्येक बल्ब 100 100 वाट का है, तो प्रत्येक फेज में 300 वाट का लोड हो गया, तो तीनों में लोड समान है। तो एक वाट मीटर विधि से आप लोड माप सकते हैं। एक वाट मीटर विधि से लोड मापने के लिए आपको एक वाट मीटर लगाना है। ये वाट मीटर लगा दिया, जो एक तो फेज और एक न्यूट्रल के मध्य लगा देते हैं। इसमें ये कवाइल तो हो गई पीसी कवाइल और ये हो गई सीसी कवाइल, करंट कवाइल, ये होती है प्रेशर कवाइल, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज मापना हो परिपथ का, तो वोल्ट मीटर लगा सकते हो, या तो अगर ये वोल्टेज दो फेजों के मध्य लगाओगे तो ये तो लाइन वोल्टेज दर्शाएगा, अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापोगे तो फेज वोल्टेज ये दर्शा रहा है लाइन वोल्टेज, और एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य वोल्ट मीटर लगा देंगे वो दर्शाएगा फेज वोल्टेज, ठीक है। और आपको इस परिपथ का करंट मापना है तो आप एक एमीटर भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप परिपथ का वोल्टेज भी माप लो और करंट भी माप, आ गई बात समझ में। इसमें एक एमीटर लगाया गया है, इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें ये करंट का मान दर्शा देगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज का मान दर्शा देगा, और पावर मीटर है ये, वाट मीटर है ये, पावर दर्शा देगा। यहां आपको L1, L2 और L3 सप्लाई संयोजित करनी। आ गया सर्किट डायग्राम, इसके अनुसार अपने कनेक्शन करेंगे और आपको लोड मापना सिखाएंगे एक वाट मीटर विधि से संतुलित लोड, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको क्या करना है, तीन तीन लैंप के तीन सेट बना लेने, ठीक है। एक सेट तो ये हो गया, ये अपना एक फेज का लोड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीनों फेज के तीन तीन लैंप के तीन लोड बना लिए, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा ये हो गया ना। अब इन तीनों के वन वन सिरे को क्या करना है, वन वन को कर लो या टू टू को कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद यहां से आपको निकालना है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको फेज में ले लेंगे वायर को, ये न्यूट्रल पॉइंट निकल गया है प्लस, अब आपके पास तीन वायर बचे हैं, ये तो हो गया न्यूट्रल पॉइंट, एक फेज तो ये हो गया, एक फेज ये हो गया और एक फेज ये आ गया, तीनों फेज हो गए, स्टार पॉइंट बन गया। अब ये जो इनके वायर बचे हैं तीनों साइड में, इनको आपको लाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है। लाइन से कनेक्ट करने के लिए इस मीटर को भाई उधर रखो। अब एक तो लगाना आपको किसी भी एक फेज के मध्य एमीटर, ये मैं एमीटर लगा देता हूं यहां, एक लगाना आपको वोल्ट मीटर लगाना है, वो वोल्ट मीटर अपने एक फेज में लगा लेते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल में। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज मापने की वीडियो हमने पहले बना दी,
अब एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य अपन लगाएंगे वोल्टमीटर जो फेज वोल्टेज को दर्शाएगा। ये वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया, इसमें फेज वोल्टेज का मान दर्शाएगा। इसको यहां से अपन सप्लाई दे देते हैं। अब लगाना है आपको एक वाट मीटर। क्या लगाना है? वाट मीटर। वाट मीटर लगाते हो तो क्या करना होगा आपको, इसमें चार टर्मिनल हैं, एम और सी को कॉमन करके तो आपको क्या देना है, फेज देना है। दे दिया, यहां से इसको फेज दे देते हैं अपन। अब आपके पास वाट मीटर का एक तो एल टर्मिनल निकलता है, एक वी। वी से क्या जोड़ देंगे अपने लाइन का, और इसको दे देंगे अपन न्यूट्रल। एल को तो लाइन से जोड़ना है और वी को न्यूट्रल से जोड़ना है। वाट मीटर का भी कनेक्शन हो गया है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हो गया, ये वाट मीटर हो गया, और ये एमीटर हो गया। अब इसको अपन थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। हो गया इसका वायर, ये कौन सा है, लाइन का, वहां जोड़ो इसको लाइन का, लाइन में जोड़ो इसका, लाइन का ये आ गया, एक लाइन का ये। अब ये अपना स्टार कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया है, वोल्टमीटर भी लगा दिया है, एमीटर भी लगा दिया है, और वाटमीटर भी लगा दिया। अब इनको थ्री फेज सप्लाई से अपन कनेक्ट करेंगे तो तीन मीटर रीडिंग देंगे। ये पावर मीटर है, वाट मीटर है, ये तो दर्शाएगा इसकी पावर, और वोल्ट मीटर वोल्टेज का मान दर्शाएगा, और ये करंट का मान दर्शाएगा, ठीक है। अब इसमें तीन तीन बल्ब लगाए हैं हमने, तो इसमें पावर कम है, किसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो पावर का मान कम दर्शाएगा। अब कितना दर्शाता है वो देखते हैं अपन। अब इसको थ्री फेज सप्लाई से अपन कनेक्ट करेंगे। ये थ्री फेज सिस्टम है अपने पास, यहां ये फेज नंबर एक हो गया, ये फेज नंबर दो हो गया, ये तीन हो गया। थ्री फेज में प्रत्येक फेज में तीन तीन लैंप लोड है, तीन तीन का सेट है, जलने लग गया। अब इसमें देखो एमीटर में देखो कितना आ रहा है, 140 मिली एम्पियर। करंट का मान लिखो 140 मिली एम्पियर, दिख रहा है। वोल्टेज का मान लिखो 225 आ रहा है, और वाट आ रहा है इसमें 50 वाट। आना कितना चाहिए, पावर निकालो इसका। पावर ज्ञात करने का सूत्र है पी बराबर वी आई, वी इंटू आई। मिली एम्पियर में कितने आ गया, 31 वाट आ रहा है। अब इसमें ये एनालॉग मीटर है, इसमें ये पता नहीं लग रहा है, इसमें 0 से 250 स्टार्ट होता है, 250 पर लिखा हुआ है ना, इससे अपना अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये इसमें भी कितना आ रहा है, 31 वाट आ रहा है। अब इस लोड को एक एक लैंप लोड से हटा देते हैं अपन, क्या करेंगे, एक एक लैंप को हटा देते हैं, और उसके बाद में अपन मापेंगे पावर बढ़ेगा, है ना। तो मैं एक बार सप्लाई हटा देता हूं थ्री फेज, और अब आपको एक प्रत्येक लोड से, प्रत्येक फेज से एक एक लैंप को हटा देना है। हट गया है ना। अब अपन थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका लोड। अब देखना सेकंड स्टेप में कितना आ रहा है,
इसमें मिली एम्पियर हो गई 180, वोल्टेज का मान हो गया इसमें 230, 230 हो गया। और इसमें अब देखना कितना रहे, अब कितना, अब आ रहा है इसमें 41, चालीस वाट का लोड आ रहा है। यह आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। इस विधि का उपयोग संतुलित लोड के लिए किया जाता है। संतुलित इसमें प्रत्येक में क्या है, लैंप लगे हुए दो दो समान रेटिंग के, तो कोई से भी फेज में अपन लगाएंगे किसी भी फेज में तो वो क्या आएगा, पावर समान आएगा। यह है एक वाटमीटर विधि। अगले प्रैक्टिकल में अपन करेंगे दो वाटमीटर विधि, उससे अगले प्रैक्टिकल में करेंगे अपन तीन वाटमीटर विधि। तो ये समझ में आ गया आपको, एक वाटमीटर विधि से संतुलित लोड का पावर कैसे मापते हैं। आ गया समझ में? थैंक यू।